Hey guys, this is Mukesh. Well, today in this video, we are going to learn these types of sentences. As you can see on the screen, however, let me tell you, गुस्से में आकर मैंने उसे पीट दिया, गुस्से में आकर उसने मुझसे ब्रेकअप कर ली, गुस्से में आकर मैंने उससे पंगा ले लिया, गुस्से में आकर वो वहाँ से चली गई, गुस्से में आकर पापा ने मुझे थप्पड़ मार दिया। तो इस तरह का सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वेल, सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर क्या होगा? गुस्से में आकर पहले जान लेते हैं, गुस्से में आकर इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेल, गुस्से में आकर को इंग्लिश में बोलते हैं इन एंगर। इन एंगर सबसे लास्ट में राइट करेंगे, इन एंगर। सबसे पहले क्या करेंगे? सेंटेंस राइट करेंगे। सेंटेंस जिस भी टेंस में होगा उसको उसी टेंस में ट्रांसलेट कर देंगे और लास्ट में लगा देंगे इन एंगर। वेल माय डियर दोस्तों, हम लोग का स्ट्रक्चर हो गया कंप्लीट। आइए इस सभी ट्रांसलेशन को ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, इसको किस तरह से बोलेंगे। गुस्से में आकर मैंने उसे पीट दिया, तो आई बैट हिम इन एंगर। आई बैट हिम इन एंगर, यहाँ पर देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, आई बैट हिम इन एंगर। नेक्स्ट सेंटेंस है, गुस्से में आकर उसने ब्रेकअप कर ली। गुस्से में आकर उसने ब्रेकअप कर ली, कोई गर्ल्स के बारे में बता रहे हैं। तो सी ब्रोक अप इन एंगर, सी ब्रोक अप इन एंगर। तो यहाँ पर क्या ब्रेक का बी टू क्या था? ब्रोक होता, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर सी ब्रोक अप इन एंगर। नेक्स्ट सेंटेंस, गुस्से में आकर मैंने उससे पंगा ले लिया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट, सारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट से बनाएंगे। तो मैंने उससे पंगा लिया, पंगा लेना को बोलते हैं मैसअप। क्या बोलते हैं? मैसअप। तो इसको किस तरह से बोलेंगे? आई मैस्ड हिम अप। अब इसको इस तरह से बोल सकते हैं, आई मैस्ड अप हिम, मैस का भी टी होगा, मैस्ड हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट सेंटेंस को बनाते हैं, गुस्से में आकर वो वहाँ से चली गई, तो सी वेंट फ्रॉम देयर या सी लेफ्ट फ्रॉम देयर इन एंगर। तो बन गया सी लेफ्ट फ्रॉम देयर इन एंगर, वेंट भी लगा सकते हैं। आइए नेक्स्ट ट्रांसलेशन को ट्रांसलेट करते हैं, गुस्से में आकर पापा ने मुझे थप्पड़ मारा, तो गुस्से में आकर पापा ने मुझे थप्पड़ मारा, डैडी या डैड या द फादर कुछ भी राइट कर सकते हैं, डैड राइट करते हैं, डैड स्लैप्ड मी, डैड स्लैप्ड मी इन एंगर, डैड स्लैप्ड मी इन एंगर। वेल फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह का एडवांस लेवल का स्ट्रक्चर जो है आप डेली यूज में जो स्ट्रक्चर यूज होता है उसका आप इंग्लिश सीख सके और कमाल के तरीके से आप इंग्लिश बोल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स, और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।